मेरे परिवारजनों आप सभी ने गुजरात के तीर्थ क्षेत्र अंबाजी मंदिर के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा यह एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है जहाँ देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां अम्बे के दर्शन के लिए पहुँचते हैं यहाँ गब्बर पर्वत के रास्ते में आपको विभिन्न प्रकार की योग मुद्राओं और आसनों की प्रतिमाएं दिखाई देंगी कि आप जानते हैं कि इन प्रतिमाओं की खास क्या बात है दरअसल ये स्क्रैप से बने स्कल्पचर हैं एक प्रकार से कबाड़ से बने हुए और जो बेहद अद्भुत है यानी ये प्रतिमाएं इस्तेमाल हो चुकी कबाड़ में फेंक दी गई पुरानी चीजों से बनाई गई है अंबाजी शक्तिपीठ पर देवी माँ के दर्शन के साथ साथ ये प्रतिमाएं भी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई है इस प्रयास की सफलता को देखकर मेरे मन में एक सुझाव भी आ रहा है हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वेश से इस तरह की कलाकृतियां बना सकते हैं तो मेरा गुजरात सरकार से आग्रह है वो एक प्रतियोगिता शुरू करे और ऐसे लोगों को आमंत्रित करें ये प्रयास गब्बर पर्वत का आकर्षण बढ़ाने के साथ ही पूरे देश में वेस्ट टू वेल्थ अभियान के लिए लोगों को प्रेरित करेगा साथियों जब भी स्वच्छ भारत और वेस्ट टू वेल्थ की बात आती है तो हमें देश के कोने कोने से अनगिनत उदाहरण देखने को मिलते हैं असम के कामरूप मेट्रोपोलिटन डिस्ट्रिक्ट में अक्षर फोरम इस नाम का एक स्कूल बच्चों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भावना भरने का संस्कार का एक निरंतर काम कर रहा है यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी हर हफ्ते प्लास्टिक वेस्ट जमा करते हैं जिसका उपयोग इको फ्रेंडली ईंटें और चाबी की चेन जैसे सामान बनाने में होता है यहाँ स्टूडेंट्स को रिसाइक्लिंग और प्लास्टिक वेस्ट से प्रोडक्ट बनाना भी सिखाया जाता है कम आयु में ही पर्यावरण के प्रति ये जागरूकता इन बच्चों को देश का एक कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बनाने में बहुत मदद करेगी